गुरुजी आजकल ना बच्चे स्कूल कॉलेज के शिकायत कर रहे हैं कि उनको ना बुली किया जाता है, बॉडी शेम किया जाता है, कि मोटा मोटा कह के चढ़ाया जाता है, नहीं तो फिर कभी पतला पतला कह के इतना चढ़ाया जाता है, और बुली भी इस हद तक कर दिया जाता है कि वो स्कूल कॉलेज जाने से भी अब घबराने लग गए हैं। मतलब उसको ट्यूशन मिस कर दिया या क्लास मिस कर दी, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क बच्चों में पड़ रहा है, डिप्रेशन में भी आ जाते हैं छोटे बच्चे। तो किस तरीके से हम बच्चों को समझाएं कि ये बुली ना करें, या फिर अगर हो रहे हैं तो फिर कैसे उसको हैंडल करें? हाँ, बात वहीं पे हमारे अकॉर्डिंग तो वहीं आ जाती है कि आपके अंदर अगर विल पावर है, कोई कुछ भी कहता रहे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया को कभी भी खुश नहीं किया जा सकता, आप संतुष्ट नहीं कर सकते चाहे कुछ भी कर लें। कहने वाले ने बात कह ही देनी है। हम एक बात सुनाया करते हैं कई बार कि कोई घोड़ा लेके गधा लेके जा रहा था या खच्चर लेके जा रहा था, तो वो छोटी सी हाइट की थी, तो दोनों चले जा रहे थे। लोग हंसने लगे, यार ये देखो कितने मूर्ख हैं, सवारी पास में और ये बाप बेटा पैदल जा रहे हैं। तो बाप कहने लगा, बेटा तू बैठ जा, मैं आगे चलता हूँ। तो वो चलने लगा, थोड़े आगे लोग मिले, वो हंसने लगे, देखो ये नौजवान हट्टा कट्टा ये घोड़े पे बैठा है या खच्चर पे बैठा है, और ये देखो इसका बाप चले जा रहे हैं, इसको शर्म नहीं आती। तो बेटा कहता, पापा आप ही बैठ जाओ, मैं चलता हूँ। तो वो खच्चर पे या घोड़ा था या गधा था, जो भी था, चलने लगा। ये हकीकत है, ये सच्चाई है, पुराने समय की बातें हैं। तो अब बच्चा चलने लगा, तो अब आगे लोग मिले, वो बुजुर्ग को कहते, इसको शर्म नहीं आती, छोटे बच्चे को चला रखा और खुद आराम से उस पर बैठा है। अब दोनों सोचने लगे, करें क्या, ये बैठता है तो मुझे टोक देते हैं, मैं बैठता हूँ तो इसको टोक देते हैं। दोनों ने क्या किया, उस खच्चर को घोड़े को ही उठा लिया। तो वो चलने लगे, रास्ते में पुल आ गया, नहर का पुल कह लीजिए, नदी का पुल कह लीजिए। नहर के पुल पे वो साइड में बाउंड्री बॉल नहीं होती, तो लोगों ने ताली मार दी जोर से और वो बिदक गया, जो भी घोड़ा था या गधा था, खच्चर थी, तो वो बिदक गया और बिदक के उनके हाथों से छूटा और नहर में डूब गया। तो दोनों बैठ के वहाँ रोने लगे। सो उदाहरण के लिए ये बात हम बताया करते हैं कि आप दुनिया को खुश नहीं कर सकते। वो कुछ भी बोले, बोलते रहना है, दुनिया का काम है। आपका मार्ग अगर सही है, आप अगर अपने अंदर से सच्चे हैं, तो अपने मार्ग पर चलते जाइए, और अंदर विल पावर होगा तभी ये संभव होगा। वरना आपके अंदर दिमाग पे बोझ पड़ने लग जाएगा, आप कतराएंगे उस जगह जाने से, यहाँ से आपको टोका जाता है, ये तो मोटा आ गया, ये टकला आ गया, या ये फलां आ गया, ये तो मतलब तरह तरह के नाम, सीखिया पहलवान आ गया, जी पता हाँ नहीं क्या क्या नाम रख जी देते जी हैं बच्चे। जी ऐसा ऐसा वैसे करना नहीं चाहिए। हमारे ख्याल से उन बच्चों से भी गुजारिश है कि किसी की भावना से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, पर भावनाओं को इतना मजबूत बना लो कि आपके असर ना हो इन चीज़ों का। तो हमें लगता है इससे बचा जा सकता है विल पावर के द्वारा, आत्मबल के द्वारा, और वो राम नाम के बिना नहीं आ सकता। जितना जल्दी राम नाम से आता है और चीज़ों से नहीं आता। थैंक यू गुरुजी।